बड़ी खबर बांदा से, जहां हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी के दफ्तर पहुंचा पीड़ित परिवार। घटना के 1.5 महीने बीतने के बाद भी आरोपियों की नहीं हुई गिरफ्तारी। स्थानीय पुलिस पर लचर कार्यवाही का पीड़ित परिवार ने लगाया आरोप। बता दें कि किसी अन्य समक्ष अधिकारी से मामले की विवेचना कराए जाने की मांग। हत्यारे पीड़ित परिवार पर बना रहे राजीनामा का दबाव, आरोपी खुलेआम दे रहे जान माल की धमकी। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पीड़ित परिवार करेगा अनशन। बदौसा थाना इलाके में लगभग 1.5 महीने पहले हुई थी हत्या। आपका? संतराम गुप्ता। संतराम गुप्ता जी कहाँ से आए? नरैनी से। पुलिस अधीक्षक के पास आए थे बांदा। हमारे खास नरैनी के हो? हाँ, खास नरैनी के हम बांदा आए थे अधीक्षक जी के पास। हम लोग 45 दिन से परेशान हैं। हमारे यहाँ मर्डर हो गया था, आज तक कोई सुनाई नहीं हो रही। किसका मर्डर हुआ था? हमारे जीजा जी हैं। क्या नाम है उनका? बबलू गुप्ता उर्फ मनोज गुप्ता। अच्छा, किसने किया था? यादव मुकेश यादव, जयकरण यादव, प्रमोद यादव, राम सहा यादव। कब की घटना है ये? 12 तारीख की घटना है। अगले महीने? हाँ। जब से कोई कार्रवाई नहीं हुई? जब से कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। आश्वासन दिया जा रहा है कि हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक पकड़े नहीं? 45 दिन हो गए लगभग, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुलजिम सब खुलेआम घूम रहे हैं और हमको धमकी भी दी जा रही है कि अगर आप लोग FIR करोगे या अगला कदम कोई उठाओगे तो हम लोग तुम्हारी पर भी कोई अगला हादसा करेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हो आप? हम लोग ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हमको न्याय मिलना चाहिए, जल्दी पकड़े जाए। शासन से यही अनुरोध है हमारा। आज किसके पास आए थे? SP साहब के पास आए थे।